Java. Yes. Do you know how to settle in Karai? Alright. पानी पी लिया, निकलते हैं यहाँ से अब. पेट्रोल बहुत पी रही है गाड़ी, पता नहीं क्यों, नहीं है इसलिए शायद पी रही ज़्यादा. मज़ा आ गया पर जो भी है, पूरा ऑफ रोड रूट है ये वाला. कहाँ से आ रहा है, देखो पानी आ रहा है या बर्फ जमी हुई है. मेरे ख्याल से बर्फ जमी हुई है. बरसात हो रही है, बरसात. कितना भयंकर आ रहा है पानी, कहाँ से कहाँ. कोई पत्थर ना आ जाओ ऊपर से. एक फोटो तो बनता है भाई का. आ जाओ, क्या नज़ारे यार, इन्हीं नज़ारों को देखने इतनी दूर से आया हूँ. हाँ मज़ा आता है पर. चलो चलो जय माता दी, चलो ये. कितना भयंकर पानी आ रहा है वहाँ भी. अरे वाह वाह भाई वाह, सारे नज़ारे दिखा दिए, सारे नज़ारे, वाह सारे नज़ारे दिखा दिए. छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग आते हुए, ये कुछ साफ आया रोड. यहाँ बगाते हैं, ये वो ये जाली लगाते हुए खींच दूँ मीटर. देखो भाई रोड, सारे एडवेंचर ले लिए मैंने इस बाइक के दो ही दिन में. वाह वो देखो भाई पहाड़, वो भी वाह. बस पहुंचने वाले सच पास, ऑलमोस्ट पहुंच गए. मेरे ख्याल से एक आध किलोमीटर और होगा. और पहली 390 एडवेंचर है जो सच पास आई है. मुझे तो ये लगता है कि अभी तक 390 एडवेंचर यहाँ नहीं आई अभी तक. तो मुबारक हो KTM, फर्स्ट KTM 390 एडवेंचर. सच पास ये सेम है, बस इसको दो पार्ट में बना था वीडियो, तो इसलिए मैं दो पार्ट में बना रहा हूँ. तो फाइनली हम सच पास में हो चुके हैं और 14,500 फीट की ऊंचाई पे. और भाई ठंडा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है अभी तक तो. और
पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड बैरागढ़ से लेके यहाँ तक पूरा ऑफ रोड था, जैसे कि अभी आपको दिखा होगा मेरी इससे पहले वाली वीडियो में, पूरा ऑफ रोड था, मजा आया चलाने में। थोड़ी वो सांस की दिक्कत हो रही है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं यहाँ से अब किलाड़ की तरफ। किलाड़ के बाद है उदयपुर, उदयपुर थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, उदयपुर तो हो नहीं पाएगा, तो किलाड़ निकलते हैं यहाँ से। बर्फ़ देख रहे हो कितनी मोटी ताज़ जमी हुई, बर्फ़ हार्ड कोर बर्फ़ एकदम, और यही बर्फ़ पिघल पिघल के धीरे धीरे पानी में फिर नीचे तक आती थी, नदियों में मिलती आके। सब जगह बर्फ ही बर्फ। हम सही टाइम पे इस टाइम यहाँ कोई स्नो नहीं मिली, नहीं तो बहुत भयंकर स्नो रहती है यहाँ, कई देखे मैंने बीच रास्ते में से वापस चल जाते हैं, सच पास भी नहीं आ पाते, पूरा ऑफ रोड है, पूरा ऑफ रोड। अब हम जा रहे हैं किलाड़, ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो घंटे में किलाड़ पहुँच जाएंगे। शायद कैंप बना हुआ है, मैगी वाला कैंप है क्या है कुछ है, या फिर स्टे का भी चांस है मेरे ख्याल से, तो देखते हैं, पूछते हैं कितना दूर यहाँ से किलाड़ और है, अगर ज़्यादा दूर होगा या रोड सही होगा तो निकल जाएंगे, अगर रोड सही होगा तो, अगर रोड सारा ऐसे ही मिलेगा तो फिर करते हैं प्लान, देखो रुकने का है तो सारे कुछ, और यहाँ की रोड भी बिल्कुल ऐसी ही होने वाली। वाह ये पानी, पानी की धाराएं, वाह कहाँ से आ रहे हैं हम, कौन से ऊंचे उन पहाड़ों के पीछे से वहां से आ रहे हैं हम, को रुकने का मतलब तो है नहीं, निकलते हैं क्योंकि रुकने जगह है नहीं है। टाइगर जीएस वाओ, ये रूट भी बहुत पूरा ऑफ रोड हो रहा है रूट, अभी तक सही रूट नहीं आई कहीं भी। माइनर सी जगह है, और आपका भाई निकलते हुए नीचे खाई, बीआरओ वाले काम करते हुए जेसीबी के थ्रू, ये है पहाड़।